ही जाएगी। और ये धन्वंतरी महाराज आयुर्वेद के प्रचंड ज्ञाता थे, उन्हीं के द्वारा ये धन्वंतरी जयंती मनाई जाती है। धनतेरस वाले दिन, धन्वंतरी जयंती के दिन, घर में झाड़ू और सिंदूर अवश्य लाना चाहिए, इससे महालक्ष्मी की प्रसन्नता होती है। और पंच दिवसीय जो हमारा त्यौहार है, ये धन्वंतर जयंती से ही प्रारंभ होता है। पांच दिवसीय धन्वंतर जयंती, जयंती हनुमान जयंती, दीपावली, और इसके पश्चात प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा, द्वितीया को भैया द्वीज। ये पांच दिन का त्यौहार हमारे यहाँ पंच दिवसीय त्यौहार पूरा बनाया गया है। क्या विधान है धनतेरस की पूजा का, किस तरह से करनी चाहिए? धन्वंतरी महाराज आयुर्वेद के ज्ञाता हैं और आयुर्वेद के हिसाब से उनकी पूजा होती है, उसी दिन से लक्ष्मी की पूजा प्रारंभ होती है। लक्ष्मी की पूजा के लिए आपको लाना है हल्दी, कंजा, हल्दी की गांठ और कमलगट्टा, गुड़, धनिया ले आ करके और इन्हीं से पूजन करना चाहिए। पूजन का समय सायंकालीन है और सायंकालीन समय में गोधूली बेला में, जो गोधूली बेला की पूजा प्रतिदिन कही गई है, चाहे वो धन्वंतरी जयंती हो, हनुमान जयंती हो या दीपावली हो, इनमें देखो गोधूली बेला में ही इनकी पूजा का विधान है। दिवाली कब है, बड़ी दिवाली जिसको लेकर के कभी चर्चाएं भी हैं, 1 को 31 को, तो किस तरह से है दिवाली का त्यौहार, किस कब है, क्या इसका विधान होता है, पूजा पाठ किस तरह से होती है, क्या कहिएगा? दीपावली में इस बार बहुत भ्रांतियां फैला दिया है लोगों ने। दीपावली हमारे यहाँ ऋषिकेश पंचांग प्रमुख रूप से माना जाता है और ऋषिकेश पंचांग के अनुसार दीपावली 31 तारीख को ही है। 31 तारीख को अमावस्या 3:15 प्रारंभ हो जाएगी। गोधूली बेला, गोधूली बेला का अर्थ क्या निकलता है, छोटा सा दृष्टांत है। पहले जब गायें जंगल में चरने जाती थी तो भले ही बादल घेरे हो, अंधेरा हो, लेकिन गाय ये समझ जाती थी कि सूर्यास्त होने वाला है और हमें अब घर चलना चाहिए। तो जब गाय चल देती थी एक सांस समूह में, तो उनसे जो धूली उड़ती थी उसको गोधूली बेला कहते हैं। गोधूली बेला में बड़ा महत्व है। उसी गोधूली बेला में दीपावली का पूजन होता है और 31 तारीख को ही गोधूली बेला में अमावस्या मिल रही है। दीपावली का पूजन स्थिर लग्न, जो हमारे यहाँ स्थिर लग्न कही जाती है, 6:15 से प्रारंभ होकर के और 8 तक की स्थिर लग्न है, उसी में महाल गणेश और लक्ष्मी का पूजन होता है। अर्धरात्रि में कुंभ लग्न में महाकाली का पूजन होता है। अमावस्या 3 रात्रि कहाँ कही गई, कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि। दीपावली की जो रात्रि है वो कालरात्रि कही जाती है और कालरात्रि का पूजन जब रात्रि में अमावस्या हो तभी किया जा सकता है। 1 तारीख को जो लोग कह रहे हैं, तो 1 तारीख को अमावस्या है ही नहीं है रात्रि में, कुछ लोग कहते हैं उदयातिथि। उदयातिथि स्थान प्रधानम न बल प्रधानम, स्थान की प्रधानता कही गई है। तो जब हमें रात्रि में अमावस्या मिल रही है 31 तारीख को, उसी में महानिशा पूजा जो 12 रात्रि की कही गई है, वो अमावस्या 31 तारीख को ही मिल रही है। इसके कारण 31 तारीख को ही हमारे यहाँ प्रशस्त रूप से अमावस्या गणेश लक्ष्मी का पूजन सायंकालीन गोधूली बेला में 6:15 से लेकर के 8 के बीच में। और फिर ये अपने लिए है, अगर ब्राह्मण आ रहा है तो जिस हिसाब से चाहे उस हिसाब से करें। पूरी रात्रि की अमावस्या कही गई है, वो दूसरे दिन प्रतिपदा मानी गई है और प्रतिपदा में कोई अच्छे कार्य नहीं किए जाते। लोग एक को जो कह रहे हैं, एक को लोग कह रहे हैं, एक को दो लोग एक इसलिए कह रहे हैं कि उदयातिथि में अमावस्या है, जबकि अमावस्या का पूजन रात्रि का है, न कि उदयातिथि का महत्व है यहाँ। तो जब रात्रि में 1 तारीख को हमको अमावस्या मिल ही नहीं रही है,
तो हम कैसे माने कि रात्रि में एक तारीख को अमावस्या है। मैं आचार्य मुरारी लाल शुक्ला, मालवीय नगर, प्रयागराज। हाँ, मंगलवार द्वादशी उपरांत त्रयोदशी को ये धन त्रयोदशी का पर्व मनाया जाता है और विशेष करके उस दिन गणेश, लक्ष्मी, हनुमान जी एवं कुबेर की पूजा करने से घर में धन की वर्षा होती है और वर्ष पर्यंत लक्ष्मी वर्ष पर्यंत क्या आजीवन जो है जैसे भगवती भागीरथी नवनवायवान होकर के प्रवाहित होती रहती, उस तरह लक्ष्मी अपने यहाँ स्थिर रूप से निवास करती हैं। धनतेरस की क्या पूजा की विधि होती है, क्या कुछ करना चाहिए और क्यों? धन त्रयोदशी के दिन पूजा इसलिए किया जाता है कि परिवार में खुशहाली बनी रहे, कि धन का अभाव न हो, इसलिए जो है लक्ष्मी गणेश कुबेर का पूजन होता है। कलशा गौरी गणेश नवग्रह षोडश मातृका के साथ जो है गणेश लक्ष्मी हनुमान जी का पूजन होता है। उस दिन थैली का पूजन होता है जिसको कुबेर कहते हैं आप लोग। तो आगच्छ भगवन देव मिहाया ही कृपाम कुरु कोसम वर्धय में नित्यम भो कुबेर सुरेश्वर, इस मंत्र से कह करके उस थैली में धन कुबेर का आह्वान किया जाता है। उस दिन धन त्रयोदशी के दिन गणेश लक्ष्मी हनुमान जी इन सबका पूजन होता है। पूजा करने के बाद घर में जागरण किया जाता है लक्ष्मी के निमित्त कि हमारे यहाँ आप चिरस्थाई चिरंतन होकर के हमारे घर में समृद्धि वर्षण ले आए और पूरा परिवार खुशहाल रहे, अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त करे, यही अभिप्राय होता है। क्या क्या लाना चाहिए, क्या क्या लेना चाहिए? उस दिन कहते हैं कि सोना चांदी या भूषण और घर के निमित्त गृहोपयोगी वस्तुएं जैसे बर्तन है, थाली है, लोटा है, कटोरा है, कटोरी है, इस तरह से किचन के बहुत ढेर सारे आवश्यक सामान धन त्रयोदशी के दिन लेते हैं। तो ऐसी व्याप्ति है कि वो अस्थाई होता है और टिकाऊ होता है। झाड़ू का भी कोई? बिल्कुल, झाड़ू का भी उस दिन जो है धन त्रयोदशी के दिन झाड़ू का विशेष महत्व माना गया है। क्यों उसको लिया? इसलिए लिया जाता है कि झाड़ू जो है शीतला माता को भी विशेष प्रिय है, इसलिए घर में सुख समृद्धि शांति और स्वच्छता बरकरार रहे, इसलिए धन त्रयोदशी के दिन झाड़ू का विशेष महत्व माना गया। जी, ये किस तरह से दिवाली इस बार मनाई जा रही है, कई भ्रांतियां फैल रही, किस तरह से सारे त्योहार होंगे, क्या विशेष होगा, क्या महत्व होगा? दीपावली में भ्रांतियाँ इसलिए हो रही हैं कि इस बार ये चतुर्दशी जो होती है हनुमत जयंती, तो हनुमान जी के जन्म के बाद दीपावली का त्यौहार मनाया जाता रहा अक्सर, और इस बार भी ऐसा ही है, बशर्ते ये है कि इस बार चतुर्दशी उपरांत अमावस्या है, इसलिए लोग कुछ दूसरे दिन भी 5:13 तक अमावस्या है 1 तारीख को भी, इसलिए लोग भ्रांति जरूर फैला रहे हैं। बशर्ते ये है कि दीपावली का त्यौहार महानिशीथ पूजा अर्धरात्रि में होती है, अर्धरात्रि के समय दीपावली न उपलब्ध होने के कारण 31 तारीख को दीपावली मनाई जा रही है। और दीपावली विशेष करके क्यों मनाई जाती है, ये प्रश्न आपका बहुत जायज है, क्योंकि भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी ने राजा बलि के बंधन से दीपावली के दिन ही मुक्त कराया था, इसलिए दीपावली का त्यौहार हम लोगों के लिए और विशेष खास है। दूसरे एक बात और है कि ये भी कहते हैं कि वनवास का कार्यकाल पूरा करने के बाद राम लक्ष्मण जानकी भी दीपावली के दिन ही अयोध्या में वापस हुए थे, इसलिए भी दीपावली हमारे हिंदुओं के लिए विशेष है। क्या करना चाहिए उस दिन? क्या उस दिन दीपावली के दिन गणेश लक्ष्मी हनुमान जी का पूजन करना चाहिए, घर के दरवाजे पर चतुर्मुख चारों मुख का दिया जलाना चाहिए, वर्ष पर्यंत यम का भय नहीं होता, इसलिए।